भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। विराट कोहली ने लिखा है, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विराट कोहली भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान रहे। विराट ने एक पेज का नोट ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, यह 7 साल की मेहनत और परिश्रम का परिणाम था जिससे टीम को सही दिशा में ले जाया जा सके। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर चीज का एक दिन अंत आता है और मेरी टेस्ट कप्तानी का यह अंत है। इस सफर में कई चढ़ाव आए तो कुछ उतार भी देखने को मिले, लेकिन इसमें कभी भी मेहनत और विश्वास की कमी नहीं थी। मैं जो कर सकता था उसमें मैंने अपना 120% दिया, और जो चीज मैंने नहीं की उसके बारे में मुझे पता था कि वो सही नहीं है। मेरे दिल में हमेशा से साफ गोई रही और मैं अपनी टीम के प्रति बेईमान नहीं हो सकता। मैं BCCI को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतने लंबे वक्त के लिए टीम का नेतृत्व करने का मौका दिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया मेरी टीम के साथियों का, जिन्होंने पहले दिन से मेरे सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया और कभी भी साथ नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने इस सफर को खूबसूरत और यादगार बना दिया। रवि भाई और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाने के इंजन के रूप में काम किया। आप सबने इस सपने को हकीकत में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आखिर में MS धोनी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझ में एक कप्तान के तौर पर भरोसा दिखाया और यह विश्वास जताया कि मैं भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सकता हूं। विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और 40 में टीम को जीत दिलाई। यह अब तक का किसी भी भारतीय कप्तान का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। विराट की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला और लंबे वक्त तक टीम इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम रही। विराट के इतने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद बीते कुछ समय से टीम इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन पहले ही भारत को दक्षिण अफ्रीका में हार का सामना करना पड़ा। भारत वह टेस्ट सीरीज 2-1 से हारा। वहीं विराट के बल्ले से भी लंबे वक्त से कोई शतक देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा कोहली और BCCI के बीच भी खींचतान देखने को मिली। विराट ने T20 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का अचानक से ऐलान किया था। यह फैसला उन्होंने T20 विश्व कप से ठीक पहले किया था। T20 विश्व कप में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद जब चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए वनडे टीम का चयन किया तो उसमें विराट की जगह रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी गई। उसके बाद विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया था कि उनके साथ कप्तानी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। इस बीच BCCI ने भी विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी से हटने के फैसले का स्वागत किया है। देखना होगा कि टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान कौन बनता है और आने वाले मैच में विराट किस तरह का प्रदर्शन करते हैं।